दक्षिणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुलक रहमान। संजय सिंह को क्या अब कोर्ट जो है बरी कर सकता है? और दरअसल संजय सिंह के कोर्ट से बरी होने को लेकर के हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या मानी जाए? देखिए, दरअसल संजय सिंह को जब गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति बनी थी और जिस ढंग से ये कहा जा रहा था कि दरअसल संजय सिंह के खिलाफ दिनेश अरोड़ा का वो बयान जो है वो ईडी को एक बड़े सबूत के तौर पर लगता है। लेकिन क्या आप एक मात्र बयान की वजह से किसी नेता को इतने लंबे दिनों तक जेल में रख पाएंगे? क्योंकि उस तरफ से भी कानूनी दांव पेच जो है वो खेले जा रहे हैं। संजय सिंह पहले ही ये बात कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के इस चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। उनको कितना भी फंसाने का प्रयास किया जाए लेकिन वो इंसाफ की लड़ाई जरूर जीतेंगे और वो जेल से बाहर भी आएंगे। तो स्थिति जो है इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि दर्शकों ये माना जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के सबसे ज्यादा जो मामला समझ में आता है वो ये आता है कि दरअसल वाकई अगर यहाँ पर साफ तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें दर्शकों, तो आपको ये बात जो है पता होनी चाहिए कि संजय सिंह को इससे पहले भी जो मानसून सत्र चल रहा था उस समय भी जो सदन की कार्रवाई है उससे निलंबित कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। और दरअसल इससे भी पूरे मामले को जोड़ करके देखा जा रहा है, क्या ये तैयारी पहले से चल रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है? ये तमाम आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाजपा पर लगाए जा रहे हैं, और इन तमाम आरोपों का जवाब भी नहीं है उनके पास। तो फिलहाल राजनीतिक रूप से अगर देखें तो मामला गंभीर और ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।